बात छत्तीसगढ़ के किसानों का हो, बात योजनाओं का हो, किसानों की बेनिफिट का हो, तो भाई ऐसे में अगर हम वीडियो ना बनाएं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दें तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। लगातार हम पिछले 2 सालों से आप लोगों को छत्तीसगढ़ के किसान संबंधित जो तमाम जो लेटेस्ट खबरें हैं, अपडेट है, योजनाओं की जानकारी है, इस चैनल के माध्यम से बराबर आप लोग तक पहुँच जा रही हैं। तो फिलहाल जो खबर है, न्यूज कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस न्यूज कटिंग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी अपने सोशल साइट पर पोस्ट की है, साथ ही कृषि मंत्री जी ने भी अपने सोशल साइट पर पोस्ट की है। तो सोचा क्यों ना भी हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें इस संबंध में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और मैंने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पर भी आप लोगों को शो करवाया है। 3 साल में किसानों ने रिकॉर्ड 76,000 ट्रैक्टर खरीदे, इस योजना ने बदल दी किसानों की तकदीर। तो आप लोग इशारा समझ गए होंगे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जी हाँ, चलिए तो थोड़ा सा डिटेल में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो खबर है आप लोगों को सुनाते हैं कि पिछले 3 साल में 76,000 से अधिक किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। साल 2019 से 2021 रिकॉर्ड ट्रैक्टर की बिक्री को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आते ही घोषणा पत्र में वादे के अनुरूप किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। उसके बाद भी लगातार किसानों को केंद्र में रखकर नई नई योजनाएं लाई गई। यह वजह है कि किसानों के हाथ में खूब पैसा आया और किसानों ने खेती को आसान बनाने जमकर ट्रैक्टर खरीदे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां भी जा रहे हैं, हर जगह सरकारी बैंक खोलने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार बैंक खोलने की घोषणा भी कर रही हैं, मतलब साफ है कि किसानों के पास पैसा आया है। भूपेश सरकार ने बीते 3.5 साल में किसानों के खाते में करोड़ों रुपए डाले हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों के खाते में 2 वर्षों में 11,180 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। साथ ही गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों, स्वच्छता समूह और गोठान समितियों को अब तक 226 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 133 करोड़ रुपये की गोबर खरीदी की गई है। तो ओवरऑल हम बात करें तो किसान भाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आने के बाद छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की ओर रुझान बढ़ा है। जो किसान खेती से विमुख हो गए थे वापस खेती को ओर लौटने लगे हैं, और जैसे कि खबर और आंकड़े सामने आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आर्थिक स्थिति भी छत्तीसगढ़ के किसानों की मजबूत होता नजर आ रहा है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या अनुभव रहा, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार और राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताते रहिए। और साथ में ये भी बताना यार, क्या आप लोग भी इस साल ट्रैक्टर खरीदे हैं क्या नहीं। ये न्यूज कटिंग थी, सोचा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन देते चले, ठीक है भाई। तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा, खबर आएगा, हम इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप लोगों को। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे लाल का जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन चालू करके रखिएगा। सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर भी है। आप लोगों को ऐप के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, तो ऐप को भी इंस्टॉल करके मोबाइल पर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।